वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 11.2 के एग्जांपल के आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल है, देखिए प्रैक्टिस सेट 11.2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर हमें ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर वुमन है सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली और उनकी सेविंग है इन रुपीज़, 200 रुपये, 400, 600, 800 और 1000। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से दिखाया है सेविंग इन अप्रैल और वाइट कलर से सेविंग इन मार्च। आप चाहे पेंसिल के कौन से भी किसी भी तरह की डिज़ाइन कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ, एक किस तरह का ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए एक ही बार को दो बार इसमें डिवाइड किया है, एक व्हाइट में और एक ब्लू में। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वैशाली की अप्रैल मंथ में कितनी सेविंग है। तो वैशाली देखिए यहाँ पर लास्ट में इसकी सेविंग देखिए यहाँ पर, तो वैशाली की सेविंग देखिए अप्रैल की सेविंग है ब्लू कलर से। तो यहाँ पर ब्लू कलर देखिए यहाँ पर है वैशाली का। तो अगर हम सीधा यहाँ पर देखेंगे तो कितना है यहाँ पर 600। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 600 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च एंड अप्रैल दोनों की मिला के सरोज की टोटल कितनी सेविंग है। तो देखिए सरोज यहाँ पर है ब्लू कलर से जो है हमारा अप्रैल है और वाइट कलर से मार्च, तो दोनों की मिला के यहाँ पर पूरी है वाइट और ब्लू मिला के देखिए यहाँ पर है 800। ठीक है, तो हम लिखेंगे 800 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ्स मार्च एंड अप्रैल इज 800 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। तो सविता की जो टोटल सेविंग है वो मेघा की सेविंग से कितने रुपीज ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर किस किस की बोलिए सविता और मेघा की। तो सविता की कितनी ज़्यादा है, तो सविता की देखिए यहाँ पर सविता के टोटल 1000 और मेघा की टोटल यहाँ पर देखिए एक सीधा यहाँ पर लेंगे तो 450। ठीक है, यहाँ तक आता है हमारा, तो सॉरी 400 और 600 के बीच में 500, तो 500 और सविता की है 1000। मतलब मेघा की सेविंग 500 है और सविता की 1000 है, मतलब सविता की कितनी ज़्यादा है मेघा से, तो 1000 के लिए 500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 रुपीज मोर सेविंग ऑफ सविता देन द मेघा। ठीक है, तो मेघा से सविता की 500 रुपये ज़्यादा सेविंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लिस्ट। मतलब अप्रैल के मंथ में सबसे ज़्यादा कम किसकी सेविंग है। तो अप्रैल मतलब यहाँ पर दिखाया है हमने अप्रैल ब्लू कलर से, तो सबसे छोटा ब्लू कौन सा है, तो सबसे छोटा वाला ब्लू कलर यहाँ पर देखिए ये है 200 मेघा की। तो हम लिखेंगे मेघाज सेविंग इन द
मंथ्स ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट, मतलब मेघा की सबसे कम सेमी है अप्रैल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू है हमें यहाँ पर दिया हुआ। देखिए, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 to 8 इन ZP स्कूल इज गिवन इन टेबल, ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ है मतलब एक ही बार पर दोनों चीज़ें दिखानी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है हम एक्स एक्सिस पे, जो ऊपर वाला होता है वो एक्स एक्सिस पे, और जो नीचे वाले दोनों दोनों की दोनों के दोनों हम वाई एक्सिस पे। मतलब जो स्टूडेंट से, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिखाई है और स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस में, इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अभी फिक्स 6th, 7th और 8th यहाँ पर आप नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह से, 5th, 6th, 7th और 8th यहाँ पर मैंने कलर से दिखाई हुए है। आप चाहे तो आपको पेंसिल से दिखाने हैं, ठीक है, तो पेंसिल से एक को आप इस तरह से कर सकते हैं और दूसरे को पूरा डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है आप किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, बॉयज़ है और गर्ल्स है। तो बॉयज़ को यहाँ पर दिया है ऑन वाई एक्सिस 1 सेमी इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्केल वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो बॉयज़ को मैं दिखाऊंगा पीले कलर से और यहाँ पर गर्ल्स को मैं दिखाऊंगा ये ऑरेंज कलर से। ठीक है, आपको भी इसी तरह से करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बॉयज कितने हैं, 34। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर सबकी टोटल कर लेंगे। टोटल तो ये 7 + 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये टोटल का कॉलम आप यहाँ पर बढ़ाना है आपको। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इस तरह से आपको रफली करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 51, 4 + 6 = 10, कैरी 1, 2 + 2 = 3 और फिर ये 40 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 टोटल दोनों की। ठीक है, तो पहला जो स्टैंडर्ड है 5th, उसमें कितने बच्चे हैं, 51। तो यहाँ पर 5th का मैं देखिए यहाँ पर 51, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 लेना है, जो भी स्केल है। 10 अगर 10 स्टूडेंट की स्केल है तो 10, 20 मतलब 10 का टेबल लिखेंगे, 3 की 5 की लगेंगे 5 का टेबल लिखेंगे। ठीक है, अभी 5th स्टैंडर्ड में टोटल कितने हैं, तो देखिए टोटल बच्चे है 51। तो देखिए यहाँ पर 50 से एक छोटी सी लाइन बड़ी है हमारी यहाँ पर इतनी। ठीक है, 51 दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं, 34। तो बॉयज़ हमने पीले कलर से दिखाए थे, पीला कलर हम 34 तक लेके जाएंगे। ठीक है, पीला कलर 34 तक लेकर जाएंगे। देखिए 35 यहाँ पर है, तो 34 एक लाइन नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो पीला कलर 34 आ गया, तो बाकी के जो बच्चे होंगे वो अपने आप यहाँ पर गर्ल्स के आ जाएंगे 17 इसके ऊपर। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वाला कॉलम जो है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने, 40। तो मैं दूसरा 6th का ये 40 तक यहाँ पर बढ़ा लूँगा। ठीक है, फिर पहला वाला जो बॉयज़ है, बॉयज़ कितने हैं, 26। तो पीला कलर 26 तक, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 उसके ऊपर में है, तो 26 तक पीला कलर से दिखाएंगे, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो अपने आप गर्ल्स का बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 7th स्टैंडर्ड का 35 है। ठीक है, तो 35 है यहाँ पर, तो टोटल हम 7th स्टैंडर्ड 35 तक लेके जाएंगे। देखिए 35 यहाँ पर है, 35 तक लेके गए। फिर यहाँ पर देखिए बॉयज़ है 21, तो बॉयज़ पीला कलर 21 तक यहाँ पर लेकर आए हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर 21, 20 से एक लाइन ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, फिर आ गया 45 दिखाई दिए उसी तरह से। ठीक है, और जो येलो है वो बॉयज़ है, तो बॉयज़ यहाँ पर पहले कितने, 25। तो 25 हमने यहाँ पर देखिए बॉयज़ 25 और बाकी के बच्चे जो गर्ल्स होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। ठीक है, बाकी के भी ग्राफ हमें इसी तरह से करने। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 2017 इन 4 टाउन्स इज गिवन, शो द डाटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। मतलब सब डिवाइडेड बार ग्राफ हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टोटल कर लेंगे लास्ट वाले कॉलम में। जब भी हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स बढ़ा लेंगे, 0 + 0 = 0, 5 + 0 = 5 और 2 + 1 = 3 और ये हो जाएगा 0 = 5 = 5 और यहाँ पर ये 0 = 5 = 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 250। ठीक है,
अभी देखिए टाउन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ईयर हमें यहाँ पर दिया हुआ है। जो टाउन है वो हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और जो ईयर है वो वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, ठीक है। सॉरी, जो ट्री प्लांटेड है, ट्री प्लांटेड ट्री की जो नंबर है वो यहाँ पर वाई एक्सिस पे। तो हमने जो टाउन के नाम है वो करजत, वाडगांव, शिवापुर, खंडाला, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। करजत, वाडगांव, शिवापुर, खंडाला, वन बाय वन, एक एक बीच में आपको छोड़ देना एक लाइन, ठीक है, बीच में एक एक बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर करजत, करजत की टोटल कितना है 350। तो यहाँ पर हमें देखिए स्केल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्केल वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रीज की वैल्यू, हमने 100 का टेबल लिख दिया, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ठीक है। अभी देखिए कर्जत की टोटल कितना है, 350 है। तो 350 है, तो हम पहला जो पूरा ग्राफ है वो देखिए 300 और 400 के बीच में 350 तक हमने यहाँ पर ये बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी जो पीला कलर है वो हमने 2016 से दिखाया हुआ है और जो ऑरेंज कलर है वो हमारा 2017 है। तो 2016 का कितना है, 150 है। तो मैं यहाँ पर 150 दिखा दूँ, 100 के ऊपर 50, 200 और 100 के बीच में देखिए 250। तो यहाँ पर हमारा ये 2016 का आ गया, तो ऊपर वाला जो है वो अपने आप 2017 का बच जाएगा, ठीक है। टोटल है हमारा यहाँ पर 550। तो 550 हमने दूसरा यहाँ पर बढ़ा दिया है, देखिए 500 और इसके ऊपर में फिर 2016 है, यहाँ पर 250। तो हमने पहला 250 तक बढ़ा दिया, फिर बाकी बचा जो 2017 का, ठीक है। इसी तरह से 405, 250, देखिए यहाँ पर 250 लास्ट वाला, और वो पहला जो है वो हमारा 100 है 2016 का, देखिए यहाँ पर 100। तो बाकी का अपने आप 150 बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये टाउन है और यहाँ पर ये ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज प्लांटेड है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल डाटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीन्स बाय स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवन, ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। स्केल दी हुई है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट। तो वाई एक्सिस पे हमें 500 स्टूडेंट लेने हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर टोटल वाला बॉक्स बन जाएगा, नीचे 000 ये हो जाएगा, 00550 कैरी 1, 9 और 0 कैरी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5000 हो गया। यहाँ पर ये 00 और ये 3, मतलब ये 3000 हो गया। 500 और 500 हो गया 1000 और ये 250, मतलब 22250 इस तरह से आ जाएगा टोटल, ठीक है। आपको बॉक्स बना लेना है, मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूँ जल्दी 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 थोड़ा, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर साइकिल, यहाँ पर जो टाउन है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे होंगे, तो यहाँ पर हम टाउन का नाम लिख देंगे। यहाँ पर हमें लिखना है टाउन, ठीक है, टाउन ये पैठन, येवला टाउन, शाहपुर, आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए दोनों की पहले की टोटल कितनी है, 5000 है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें दिखानी है, साइकिल, बस, ऑटो एंड ऑन फुट। तो साइकिल हम पीले कलर से दिखाएंगे, बस और ऑटो हम दिखाएंगे ऑरेंज कलर से, और ब्लू कलर से ऑन फुट हम दिखाएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन देखिए किस तरह से करेंगे। तो पहले तो टोटल 5000 है, तो पहला पूरा का पूरा 5000 का निकाल लेंगे पैठन का, दूसरा है एवला का है 3000 निकाल लेंगे कंप्लीट। देखिए यहाँ पर 3000 हमने कंप्लीट निकाल लिया है, ठीक है। स्केल वाई एक्सिस पे 500 लिखनी है हमें, 500 1000 इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों लास्ट वाला है 200 2250। तो यहाँ पर 2250 यहाँ पर हमने 2500 2000 के बीच में लिख दिया है, ठीक है। अभी देखिए पैठन, तो येलो कलर से हम साइकिल दिखाएंगे, पहले साइकिल 3250 तक साइकिल है, तो यहाँ पर 3250 तक हमने यहाँ पर साइकिल दिखा दी। उसके ऊपर में देखिए यहाँ पर 750 हमें दिखाना है, तो इन दोनों की टोटल कर लेंगे, या फिर 750 दिखाना है तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3250 में 750 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3800 आ जाएगा। तो ये देखिए 3800 सॉरी और ये टोटल मिला के, दोनों मिला के 4000 हो जाते हैं। तो दोनों मिला के देखिए यहाँ पर 4000 तक आ जाएगा, और बचा हुआ है बाकी वो 1 फुट रहेगा, ठीक है। उसी तरह से
1500 हम साइकिल वाला दिखा लेंगे। देखिए 1500 तो पहला दिखा लिया, दूसरा वाला हमें क्या करेंगे 1500 और 500 कितने होंगे 2000। तो दूसरा यहाँ पर 2000 तक आ गया, फिर बचा हुआ बाकी रहेगा वो ऑन फुट रहेगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 1250 दिखा देंगे, देखिए यहाँ पर 1250 1500 और 1000 के बीच में। फिर क्या करेंगे दूसरी इसमें दूसरे स्टेप में 1250 और 500 की एडिशन करेंगे तो 1750। तो दूसरा देखिए यहाँ पर 1750, यहाँ पर 1750 1500 और 2000 के बीच में, और फिर बाकी बचा वो रहेगा अनफुट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से हमें निकालने थे तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर, हमने अच्छी तरह से देख लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर आपको, ठीक है, और समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।